फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि कितने अच्छे अच्छे फ्लावर प्लांट्स आते हैं विंटर में, तो उसी कैटेगरी में एक और प्लांट है मेरे पास जो कि डेजी के नाम से, क्राउन डेजी या फिर क्रिसैंथेमम के नाम से जाना जाता है। तो उस प्लांट को भी मैं बेबी प्लांट से ग्रोथ की हूँ। तो फ्रेंड्स, वो प्लांट जो है, मैं 25 प्लांट लाई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो बड़े बड़े कंटेनर हैं मैंने उसमें लगा दिया कि उसमें से कुछ बचेंगे या फिर कुछ मर जाएंगे और कुछ ही प्लांट्स होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था। और बहुत सारे प्लांट जो हैं इस कंटेनर में, बहुत सारे प्लांट जो हैं एक साथ हो गए हैं, तो मैं उसी में छोड़ दी थी। तो आप सबको मैं दिखाती हूँ कि वो प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ भी हो गए हैं, क्योंकि कंटेनर में जो है ज़्यादा मिट्टी है, मैं बड़े पॉट में लगाई हूँ। तो कंटेनर जो आप देख रहे हैं, ये मेरा कंटेनर है और उसमें मैंने नीम का जो है प्लांट लगाया हुआ है। तो इस समय मैं इसको कटिंग कर चुकी हूँ, तो उसी में मैंने नीचे जगह खाली था तो मैंने उसमें इसे लगा दिया था, इस डेजी प्लांट को। तो ये देखिए आप सब, कितने अच्छे ग्रोथ हुए हैं इसके, कई तरह के जो हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि मैंने इस मिट्टी को काउडंक मिलाया हुआ है, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है उस नीम के प्लांट के लिए, और इसमें जो भी गार्डन सॉइल आता है वो मैंने मिक्स करके तैयार किया हुआ है। तो उसी में मैंने इस प्लांट को लगा दिया। तो जहाँ भी मिट्टी पौधे अच्छी पाते हैं तो ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, और वैसे भी ये प्लांट हार्डी प्लांट होता है तो ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो भी जाती है, और इसमें फ्लावरिंग भी गजब की होती है। तो आप सब देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे फ्लावर आए हुए हैं। तो ये मेरा येलो है, वाइट और येलो कलर का भी, ये दो प्लांट हैं मेरे। और देखिए फ्रेंड्स, इसी में मैंने स्ट्रॉ प्लांट को भी लगा दिया है, तो ये भी आप सब देख रहे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें। ये मेरा वाइट कलर का स्ट्रॉ है, और ये देखिए, ये मैं सारे ये बेबी प्लांट से ग्रोथ की हुई हूँ, तो ये आप सब देख रहे हैं। और इसे मैंने फुल सन में अपने टेरिस पे रखा हुआ है, तो इसे आप बड़े आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी फ्लावर तो बहुत सुंदर है लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर पानी की बात की जाए तो पानी तो अगर गर्मी का सीज़न आ ही चुका है तो हमें डेली दोनों टाइम ही पानी देना होगा इन सब प्लांट्स में, क्योंकि मिट्टी जो है सूख जाती है, तो पानी देना बहुत ज़रूरी है, दोनों टाइम का पानी देना ही होगा, क्योंकि टेरिस पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है और ये धूप के ही प्लांट्स हैं, तो रखना भी ज़रूरी है। और दोनों टाइम आप इसकी जो है गमले में नमी बना के रखें, आपके जो गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे क्राउन डेजी का प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट करने से आप सब जब भी कमेंट करते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। तो और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल को नया देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो होती है वो आप सबके पास आसानी से आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।